तो आरोप यह है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़वाई और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम का सभी 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोपी थे। आज न्यायालय ने उनकी बहस के उपरांत दोषी सिद्ध करार दिया है और सजा पर अभी निर्णय आना बाकी। आज फैसला हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट का पर फैसले में फर्क होता है तो फैसला हुआ है सर। क्या और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी है उनके साथ साजिश पहले से करते हैं और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूँ, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल गई। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो। नेक्स्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह रहमान। मुद्दा आज का हम चर्चा करेंगे आजम खान पर एमपी एमएलए कोर्ट के उस बड़े फैसले की, जिसको लेकर के माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, एक बड़ी स्थिति बन सकती है जिसके इर्द गिर्द कई बड़ी चर्चाएं भी हो सकती है। फिलहाल आपको ये बता दें कि जितने लंबे समय से आजम खान के परिवार पर ये केस चल रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि उनकी राजनीतिक जो ताकत है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल स्थिति वही बनती नज़र आ रही है। सभी एक तरीके से अखिलेश यादव की तरफ जो है एक टक लगा करके देख रहे थे कि वो इस मुद्दे पर क्या बयान देंगे, वो इस पर किस ढंग से रिएक्ट करेंगे, और उन्होंने बयान भी दिया लेकिन उस बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि लगभग कई बार आजम खान ने भी ये बातें कही है, उनके द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने पिछली बार भी जब वो बेल पर आए थे बाहर तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कई लोग जो है उनके साथ इस वक्त इस जो है मजबूरी की घड़ी में खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों को और बेहतर ढंग से समझना है तो आपको पहले जो है उस वकील का बयान सुनाते हैं जिन्होंने इस फैसले के आने के बाद तुरंत अपने पक्ष को रखा है। सुनिए इस बयान को। क्या मामला था? ये दो जन प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के दो जन प्रमाण पत्र हैं, जो एक जन प्रमाण पत्र है वो रामपुर नगर पालिका से बना है जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड से भी मैच करती है, और चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने लखनऊ से लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन प्रमाण पत्र बनवाया था और दोनों में 2 से 3 साल का अंतर था। जो लखनऊ से जन प्रमाण पत्र बनवाया उसमें उनकी जन्मतिथि 30/9/1990 थी और जो जन प्रमाण पत्र इनका पहले से बना हुआ था उसमें इनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी और वही जन्मतिथि इनकी हाईस्कूल में भी थी और एमटेक की क्वालिफिकेशन में भी थी। तो आरोप यह है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़वाई और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और उनकी माता श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम का सभी 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत आरोपी थे। आज न्यायालय ने इनकी बहस के उपरांत दोषी सिद्ध करार दिया है और सजा पर अभी निर्णय आना बाकी। थैंक यू। कौन कौन है इसमें आए हैं कोर्ट में आज? तो आपने सुना दर्शकों, अब क्या वाकई इस वक्त जो ये पूरी स्थिति बन रही है जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनती चली जा रही है, क्योंकि ये साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में टूट का एक बड़ा कारण भी बन सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो अखिलेश यादव के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि पार्टी एक मोटे चौड़े वोट बैंक पर कब्ज़ा भी रखती है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के स्थितियाँ जो उसी ढंग से जो है समझी जाएंगी। लेकिन बीते जो है चुनावों की अगर बात करें हम दर्शकों, तो उस चुनाव में आजम खान ने खुद रामपुर की उस जो है उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो है अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ आजम खान की। आजम खान को चुनाव में उतारा तो गया लेकिन
वो जीत नहीं पाए। उनके समर्थन में कौन थे? आज़म खान लगातार रैलियां कर रहे थे, जनसभाओं को संबोधित, भावनात्मक अपील भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव में नहीं जितवा सके। लेकिन MPMLA सेशन कोर्ट के उस फैसले के बाद आज़म खान को जब जेल की तरफ ले जाया जा रहा था तो उन्होंने क्या सारी बातें कही, वो एक बार आप ज़रूर सुने। अब आगे मत बढ़ो, आगे से पीछे हटाओ यार, पीछे हटाओ ने, थोड़ा सा जगह तो रहने दो निकलने को। ईमान जी, अरे तुम तो यार वो रास्ता ही तुमने बंद करा दिया। आज फैसला हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट और फैसले में फर्क होता है, तो फैसला हुआ है सर। क्या क्या आपको लगता है कि आप किसको अपील करेंगे सर? आजम सर, आजम सर, तो आपने सुना दर्शकों, फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि ये जो मामला जिस ढंग से लगातार हम देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है लोकसभा चुनाव के नज़रिए से। और ऐसे में जिस ढंग से चुनाव से कुछ जो है यहाँ पर महीने पहले ये स्थिति बनी है लोकसभा चुनाव से पहले, तो जाहिर सी बात है कि ये अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है। और अखिलेश यादव इससे कैसे पार पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। फिलहाल इस बड़े मुद्दे को लेकर के खुद अखिलेश यादव ने किस ढंग से अपने पक्ष को रखा है, वो भी एक बार आप ज़रूर सुने। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते हैं। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा। और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। तो हमने सुना दर्शकों, क्योंकि ये मुद्दा इतना ज़्यादा गंभीर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है, जिसको लेकर के तरह तरह के बख्श, तरह तरह की बयानबाजी जो है वो सुनने को मिल रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पर इस जो है कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति कहीं ना कहीं जो है बदलती हुई नज़र आ रही है। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसका असर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरी तरीके से पड़ता हुआ भी नज़र आ सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।